स्नैक्स में हम खाएंगे मून दाल, नहीं सॉरी मूंग दाल, मून मून चांद दाल। आप मानोगे नहीं, मैं इतना थक गया था कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे सो गया एडिटिंग करते करते, और फिर मुझे उठाया वसीम ने और ईशान ने तंग किया मेरे को, भाई चलो ना बैठते। मतलब मेरी फटी पड़ी है, मेरे को सुने तो लेकिन मुझे सोने नहीं दिया। भूख भी लगी नहीं, बट इट वॉज अ वेरी इनोवेटिव कॉन्वर्सेशन। तभी तुमको भूख लगी, तुम जाओ, अपन रात को खाते नहीं खाएंगे तो भाई तुम्हारे साथ बनेंगे, हमारे तो नहीं बनेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तुम निकलो, मैं मिलता हूँ सुबह, ठीक है? तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेरा रोड वीडियो माइक प्रो प्लस खराब हो गया था। एक्चुअली माइक खराब नहीं हुआ था, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, मतलब बैटरी ठुस हो गई थी। सो टुडे आई वाज सपोज्ड टू गो टू बोरा बाजार टू गेट मायसेल्फ अ न्यू वीडियो माइक प्रो प्लस एंड ऑल्सो टू गिव दिस माइक फॉर रिपेयरिंग। लेकिन आज जो बाहर का तापमान है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी इतनी गर्मी में 24 किलोमीटर जाना आना करना तो पड़ेगा ही भाई, माइक का सवाल है। लेकिन फिर भी कुछ जुगाड़ सोचा और मुझे याद आया वो दिन जिस दिन मैंने एक वीडियो देखा था कि अगर ये वाले माइक की बैटरी खराब होती है तो डबल ए बैटरी चालू हो जाता है, और मेरे पास जो रिचार्जेबल बैटरी पड़ी थी, डाला चालू हो गया। इसका मतलब सिर्फ मुझे अभी बैटरी एक्सचेंज करानी है, रिपेयरिंग को देनी है। रोड क्या कर रहा है, मेरा दूसरा माइक खराब हुआ है, अपना टेक्निकल गुरुजी का भी माइक खराब हुआ है, तो वर्क ऑन योर बैटरी। वैसे फिलहाल मेरा माइक चालू हो गया है, लेकिन बाहर तो जाना ही पड़ेगा, आज कोई काम बहुत है और ओहो बहुत गर्मी है। लास्ट शॉट आपने देखा जब मैं गर्मी की कंप्लेंट कर रहा था, एक्चुअली आई वाज सपोज टू गो टू रिजवान्स हाउस आफ्टर दैट। आई कॉल्ड रिजवान, ही सेड कम बाय 4 o'clock। आई कॉल्ड माय मॉम वाज लाइक घर में खाना खा के जाना। मैं यहाँ पर आया, खाना खाया, सोचा कि अभी टाइम है, थोड़ा एसी चालू किया, लेटा एंड आई स्लेप्ट फॉर 9 freaking hours। इतने सारे मिस कॉल्स थे मेरे फ़ोन में, शानिस के, आशीष के, वसीम के, रिजवान के। एंड देन आई आस्क्ड माय मॉम, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? शी वाज लाइक, सो तू न्यूयॉर्क से आया, तूने आराम किया ही नहीं है। तो देखा जाए तो ये अच्छी बात ही, आई रियली नीडेड दिस। नाउ आई फील मोर स्लीपी बट एट द सेम टाइम आई फील हंग्री। खाना खाता हूँ और देखता हूँ नींद आती कि नहीं आती, नहीं आती है तो करते हैं बात। कोशिश तो बहुत की लेकिन नींद नहीं आई, तो सोचा कि दूसरे घर में जाके कुछ काम ही कर लेते हैं। बाहर निकालो। एक्चुअली बज रहे 4, इसलिए सब सो रहे हैं, तो शांति से गेट खोलना पड़ेगा। यार ये टाइम ना मुझे बाहर आने को बहुत अच्छा लगता है, सो के उठने के बाद। ऐसा नहीं कि पूरा दिन जागे हैं, पूरी रात जागे हैं फिर ऐसा बाहर आए, नहीं, सो के उठने के बाद सुबह 4-5 बजे बाहर आने में बड़ा अच्छा लगता है। गर्मी के टाइम में भी वेदर अच्छा रहता है, एकदम प्लेजेंट, कुछ गर्मी नहीं लग रही अभी। डजंट रियली मैटर इट्स अ डे टाइम और अ नाइट टाइम, जब भी मैं इस घर में रहता हूँ मुझे सारी लाइट्स ऑन चाहिए यहाँ की, अच्छा लगता है, सब लिट अप रहता है प्रॉपर। आई एम लिटरली मैसेजिंग एवरीवन जिनको मैं आज मिलने वाला था। आई हैव टू अपोलोजाइज ना कि मेरे वैसे लोग वेट कर रहे हैं और मैंने उनका टाइम वेस्ट कर दिया जाने अनजाने में। जब भी मैं अपनी मम्मी के घर में जाके मम्मी से बात करता हूँ, खाना खाता हूँ, थोड़ा बहुत झगड़ा करता हूँ और फिर चैन की नींद लेके मैं बाहर आता हूँ ना, एक अजीब सी खुशी और सुकून मिलता है मुझे। आजकल की बिजी लाइफ में जहाँ हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो काम करना हो, बॉडी बनाना हो, पबजी खेलना हो, यूट्यूब वीडियोस देखना हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद को मी टाइम दो। मतलब महीने दो महीने में एक दिन खुद को दो जहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, फोन को टच नहीं कर रहे, चाहे सो रहे हो, वॉक कर रहे हो, अकेले बाइक लेके, गाड़ी लेके किधर भी जा रहे हो, लेकिन खुद को टाइम दे रहे हो, खुद से बात कर रहे हो, करके देखो एक बार। तो अभी सीन कुछ ऐसा हुआ कि आशीष का मैसेज आया, बोलता है भाई हम लोग वांद्री लेक जा रहे हैं, कुछ तो नया ड्रोन लिया उसके फ्रेंड ने टेस्ट करने के लिए। मैंने बोला नेकी और पूछ सुबह सुबह अनएक्सपेक्टेड प्लान बन गया है वांद्री लेक जाने का। इनको नहीं मालूम वांद्री लेक इज अराउंड 55 किलोमीटर अवे। तो आज पूरे दिन के लिए ये ओला हायर की है, 5 मिनट मोबाइल में गया, देखा ऊपर, देखा तो दिन ही निकल आ गया। ये वांद्री के लिए थोड़ा टाइम ही लग रहा है आशीष, है ना? हाँ एकदम। भाई पहले जितनी बार भी बाइक पे आया तो ऐसे पहुंच जाते हैं, गाड़ी में टाइम लगता है यार। नहीं पहुंचे नहीं आके, लेकिन चाय और स्नैक्स खाने का मन किया मेरे को। आशीष को बड़े वे टू अर्ली, कुछ खुला नहीं अभी, ऐसे शॉप्स खुले हैं यहाँ पर स्नैक्स मिल जाएगा, और पूछते हैं चाय की नहीं। वैसे आई वॉन्ट कॉफी बट आई कैन एक्सपेक्ट कॉफी एट दिस टाइम एंड दिस प्लेस। ओह क्या अच्छा दिख रहा है यार, खूबसूरत एकदम।
वैसे बारिश के टाइम पे सब जगह बहुत अच्छी दिखती है, पूरा क्लाउडी रहता है, टाइमलेस मेरे को अच्छा लगता है, ग्रीन भी रहता है काफी। हाँ अभी ग्रीन इतना नहीं है। नेक्स्ट में हम खाएंगे मूंग दाल। ये सब स्नैक्स बिना चाय कॉफी के मजा नहीं आता है, सूखा सूखा लगता है, मिलनी चाहिए आ गया ना। एंड वी हैव रीच्ड वांद्री लेक। एक्चुअली पानी थोड़ा कम है बिकॉज ऑब्वियसली समर सीजन है तो पानी तो कम रह गए, और यहाँ पर अभी ड्रोन उड़ाएंगे। तो ये है आशीष का ड्रोन मैविक 2 अप्रो, और ये शरद का नया ड्रोन है मैविक एयर, मेरा भी सेम ड्रोन है, तो बेसिकली यहाँ से भी शॉट लेने का प्लान है ऐसा बीच में से। पानी थोड़ा और होता तो मजा आती, पानी यहाँ तक आ जाता है, बट लेट्स सी। और हमारे जो ओला वाले भाई हैं वो टोल लेने गए हैं, आ गए। मैं सोच रहा था बीच में अगर आते ही नहीं तो क्या होता, फंस जाते जंगल के बीचों बीच, फिर चल के जाना पड़ता। वैसे तो मैविक एयर मेरे सबसे इज द बेस्ट ड्रोन, बिकॉज साइज भी है, फोल्ड भी होता है, बैग में भी आता है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो मैविक 2 प्रो इज द बेस्ट ड्रोन। और एक आता है मैविक जूम, तो जो मैविक जूम है उसमें आप जूम कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से मैविक 2 प्रो इज द बेस्ट। ये उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा है, सेटअप ही कर रहा है कब से देखो तो, यही ड्रोन का सारा इशू रहता है, सेटअप करो, ये करो, देखो, चेक करो। ये ड्रोन के सनग्लासेस होते हैं, ND फिल्टर बोलते हैं, तो वो लगा हुआ था, एंड अभी इतना सूरज की लाइट नहीं है तो हमने निकाल दिया, इसके बिना उड़ाएंगे। खास बात है कि इसके प्रोपेलर्स की आवाज इतनी नहीं आती, एज यू कैन सी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही आवाज, यही मैं मैविक एयर या मैविक प्रो उड़ाता तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, और आवाज के वजह से काफी सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। फिर शरद ओवेयर्स लर्निंग हाउ टू फ्लाई द ड्रोन, थोड़ा बहुत टिप्पणियां मैंने दी है उसको, कुछ समझ में आया अभी? बहुत कुछ। फर्स्ट टाइम थोड़ा नर्वस हो रहा था, मैं भी ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में, सब नर्वस होता है, इतना महंगा ड्रोन है, आपको जंगल के बीच में निकालना है, मैं तो पूरा लेक के ऊपर लेके गया, शॉट्स आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों को अच्छे लगे। अभी आशीष क्या कर रहा है, अभी आशीष अपना ड्रोन वापस लेके आ रहा है, एक्चुअली आशीष ले रहा है हाइपरलैप विद दिस ड्रोन। आशीष देखो मानना पड़ेगा, इतना टाइम ड्रोन को हवा में रखना, कोई चील का वो अटैक करेगा तो इसमें सेंसर है ना, वो बताएगा उसमें तो बताएगा ही ना, ये थोड़ी बोलेगा वेट आई विल डिफेंड मायसेल्फ, चील को मैं मारूंगा, वो तो क्रैश ही होएगा, फिर 1.5 लाख का ड्रोन गया। नहीं जाए, बट एक बात तो है, आशीष का मैविक 2 प्रो उड़ाने के बाद मैविक एयर उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या उड़ा रहा हूँ, एकदम स्लो, मैविक 2 प्रो इज वेरी फास्ट, लाइक बूम, आ गया आ गया, पापा आ गए। अभी जब तक इन लोग ड्रोन उड़ाते हैं तब तक सोचा थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ, ट्रांसफर कर लेता हूँ, टाइम बचता है इसका। ए भाई संभाल के उड़ाना, गिराना नहीं पानी में, और अगर गिराया तो मेरे को शॉट दे देना। हो गया ना, आई फ्लाई माई ड्रोन से ज्यादा आई क्रैश माई ड्रोन का वीडियो ज्यादा चलता है। कॉफी का भी मन करा था, भूख भी लग रही थी, सोचा मैकडॉनल्ड्स में रुक जाते हैं, हैविंग माय स्क्रैम्बल्ड एग। गुड जॉब ड्रोन शॉट यार आशीष शरद, एंड बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल स्लीपी आई डिसाइडेड टू एडिट दिस ऑडियो वॉचिंग वीडियो ओवर हियर। एज यू कैन सी अभी मैं वो रास्ते पर चला रहा था ना, वो जब गर्मी की बात कर रहा था, अब वहाँ पे हूँ। इफ यू एंजॉय दिस शॉर्ट एंड ए सिंपल वीडियो फॉर वट एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, मैं हूँ सब्सक्राइब करो, विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, आई लव यू फॉरएवर। पब्लिक प्लेस है करके धीरे बोल रहा है, इसकी तो एनर्जी ठुस लग रही है मेरे को। नहीं नहीं पब्लिक प्लेस है, मैं चिल्ला दूंगा मैं, शुक्रान, अलविदा। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे या बोलते भी होंगे कि निखिल भाई जब ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसा एडिटिंग कर रहे हैं लेकिन चार्जिंग तो हो नहीं रहा है तो कैसे हो रहा है? वेल ये दिख रहा है आपको, ये वायर जो जा रहा है पावर बैंक में, तो हम पावर बैंक से कर रहे हैं चार्ज हमारे मैकबुक प्रो को, नॉर्मल पावर बैंक नहीं है, स्पेशल पावर बैंक है टू चार्ज लैपटॉप। हम क्यों बताएं, खुद ढूंढ लो, हम थोड़ी बताएंगे। yeah,